दिहोली थाना क्षेत्र के लालपुर मड़ई गांव में राजा खेड़ा एसडीएम के साथ पुलिस ने सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया। जिला कलेक्टर से मिले आदेश के बाद भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा, जहां ट्रैक्टर और जेसीबी की सहायता से अतिक्रमण हटाकर सरकारी जमीन को खाली कराया गया। एसडीएम मनीष मीणा के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाते हुए दिहोली थाना प्रभारी परमजीत पटेल ने बताया कि जिला कलेक्टर द्वारा सरकारी जमीन को खाली करने के निर्देश मिले थे। निर्देशों की पालना में एसडीएम के साथ सीओ सिटी सुरेश सांखला के नेतृत्व में सिवाय चक और चारागाह भूमि से ग्रामीणों द्वारा किए गए अतिक्रमण को जेसीबी और ट्रैक्टर की सहायता से हटाया गया। उन्होंने बताया कि अतिक्रमणकारियों ने गांव की करीब 125 बीघा सिवायचक और चारागाह की भूमि पर कब्जा कर फसल बो रखी थी, जिसको लेकर जिला कलेक्टर के निर्देश पर अभियान चलाकर सरकारी भूमि को खाली कराया गया। कार्यवाही के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। धौलपुर में नवोदय स्कूल के पास बने नए अस्पताल में मेडिकल वार्ड के मरीजों का इलाज शुरू हो गया। कई दिनों की मेहनत के बाद मेल और फीमेल वार्ड पुराने अस्पताल से हटकर नए अस्पताल में शुरू कर दिए गए, जिसमें मरीज को परामर्श देने के बाद भर्ती किया जा रहा है। पीएमओ डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार ने बताया कि धौलपुर जिले में मेडिकल कॉलेज के ठीक पास नया अस्पताल बनाया गया है। जिस अस्पताल को शुरू करते हुए सबसे पहले मेडिकल यूनिट शुरू की गई। पीएमओ ने बताया कि अभी पुराने अस्पताल में ट्रॉमा वार्ड के साथ सर्जिकल वार्ड में मरीजों का इलाज किया जा रहा है, जिन्हें जल्द ही नए अस्पताल में शिफ्ट करने की प्रक्रिया की जा रही है। धौलपुर जिले के लोगों को अब गंभीर से गंभीर बीमारी का इलाज नए अस्पताल में ही मिलेगा। उन्होंने बताया कि फिलहाल एक्सीडेंटल और ऑपरेशन पुराने अस्पताल में ही किए जा रहे हैं, जिन्हें कुछ दिनों में नए अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। कोतवाली थाने के पास स्थित पुराने अस्पताल को बंद किया जा रहा है, जिसको लेकर स्थानीय लोग कई बार अपना विरोध जता चुके हैं। लोगों का कहना है कि उन्हें इलाज के लिए शहर से काफी दूर जाना होगा, जो उनके लिए मुश्किल भरा होगा। लोगों ने पुराने अस्पताल में सैटेलाइट अस्पताल चलाने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय धौलपुर पर आईटी विभाग भाजपा धौलपुर की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम भारत माता पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलित कर बैठक की शुरुआत की। बैठक के मुख्य अतिथि भरतपुर संभाग सह प्रभारी राजू गुर्जर एडवोकेट रहे। बैठक की अध्यक्षता जिला संयोजक पवन त्यागी ने की। बैठक को संबोधित करते हुए राजू गुर्जर ने कहा कि हम सभी कार्यकर्ताओं को नमो ऐप से अधिक कार्यकर्ता एवं लोगों को जोड़ना है। जो प्रदेश स्तरीय व्हाट्सएप चैम्बर वाला कार्यक्रम चल रहा है, उसके माध्यम से हमें प्रदेश और संभाग स्तर का जो मोबाइल नंबर है, जन कल्याणकारी योजनाएं, गांव गांव ठाणी ठाणी में बैठे हुए हर एक व्यक्ति तक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पहुंच सके एवं लाभार्थी लाभान्वित हो सके। अंत में जिला संयोजक पवन त्यागी ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। बैठक में उपस्थित जिला सह संयोजक हेमेंद्र सिंह परमार, अंशुल राणा, नरेश शर्मा, पंकज परमार, शिप्रा गर्ग, ऋषभ भारद्वाज आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। धौलपुर जिला निर्वाचन अधिकारी की नवाचारी पहल अंकल आंटी मान जाओ वोट डालोगे कसम खाओ। ढोलबाजे के साथ विपरपुर ईएलसी सदस्यों ने घर घर दी दस्तक। जिला निर्वाचन अधिकारी धौलपुर श्रीनिधि वीटी की नवाचारी पहल के रूप में विपरपुर निर्वाचन साक्षरता क्लब के सदस्यों ने ढोलबाजे के साथ कसम रैली गांव की गली मोहल्ले में निकाली और प्रत्येक घर में जाकर दस्तक दी। बच्चों ने रैली में अंकल आंटी मान जाओ वोट डालोगे कसम खाओ, जिला निर्वाचन अधिकारी धौलपुर के पोस्टरों में ईवीएम जागरूकता, नैतिक मतदान, मोबाइल ऐप सी विजल, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल आदि के पोस्टर लेकर नारे लगाए। एएलसी पीपलपुर के नोडल प्रभारी अतुल चौहान ने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी धौलपुर के शत प्रतिशत मतदान के संकल्प को पूरा करने हेतु एएलसी सदस्य अपने मोहल्ले पड़ोस के प्रत्येक मतदाता को बूथ तक पहुंचाने के लिए विभिन्न नवाचारी गतिविधियों का आयोजन कर रहे हैं। रैली प्रारंभ करने से पूर्व प्रधानाचार्य रमाकांत शर्मा ने एएलसी सदस्यों को लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रत्येक नागरिक के योगदान को आवश्यक बताते हुए मतदाताओं को अपने मतदान अधिकार का उचित प्रयोग करने के लिए जागरूक करने की बात कही। रैली में बीएलओ सुपरवाइजर मुकेश कुमार, बीएलओ रणजीत यादव, नेत्रपाल सिंह, उमेश शर्मा, श्याम सुंदर ने सभी विद्यार्थियों को घरों में मतदाताओं से संपर्क कराने में सहयोग किया। बसेड़ी कस्बे में नगर पालिका प्रशासन द्वारा नगर पालिका अधिशासी अधिकारी योगेश कुमार पिप्पल के निर्देशानुसार कस्बे में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया।
प्रशासन द्वारा पुराना बस स्टैंड से अग्रवाल धर्मशाला होते हुए मुख्य चौराहा सदर बाजार मनिहार गली सब्जी मंडी हवेली तोक तिराया होते हुए बयाना मोड़ तक अभियान चलाया गया, जिसमें अस्थायी रूप से फुटपाथ पर दुकान लगाकर बैठे सब्जी वालों ठेल दुकान के आगे बढ़ाकर काउंटर व सामान लगाकर सड़क व फुटपाथ पर अतिक्रमण करने वालों से समझाइश कर सामान को हटवाया गया व भविष्य में सड़क पर अतिक्रमण नहीं करने के लिए पाबंद किया गया। नगर पालिका की इस कार्यवाही से अस्थायी दुकानदारों और ठेला ढकेलने वालों व दुकानों के बाहर भारी संख्या में सामान लगाने वाले दुकानदारों में हड़कंप मच गया। वहीं नागरिकों ने नगर पालिका की कार्यवाही की सराहना की, क्योंकि अतिक्रमण के चलते बाजार में जाम के हालात बने रहते थे, जिससे पैदल राहगीरों व वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी योगेश कुमार पिप्पल ने बताया कि नागरिकों की मांग पर बसेड़ी कस्बे में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। अस्थायी दुकानदारों को व दुकानदारों द्वारा दुकान के बाहर सामान लगाकर अतिक्रमण करने वालों को पाबंद किया गया कि वो सड़क पर किसी प्रकार से अतिक्रमण ना करें। कार्यवाही के दौरान मुख्य सफाई निरीक्षक श्री प्रकाश श्रीवास्तव, MIS मैनेजर अमित कुमार व श्री कृष्ण सहित कई सफाई कार्मिक अमित कुमार राणा मौजूद रहे। बसेड़ी से पुनित परमार की रिपोर्ट। धौलपुर जिला पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर के अब्दुलपुर निवासी धीर सिंह ने पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश होकर ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया कि अब्दुलपुर गांव के ही भगवती ठाकुर सन ऑफ केसर सिंह ठाकुर ने मेरे परिवार जनों शिव कुमार प्रजापति, भाईराम प्रजापति, दान सिंह प्रजापति, सन ऑफ मोहन सिंह प्रजापति और इनके अन्य साथियों ने मेरे छोटे भाई सुखवीर सिंह पर और परिवारिक जनों पर लाठी डंडों फरसा से मारपीट कर दी और अवैध हथियार दिखाकर जान से मारने की धमकी दी और कहा कि अब तुम लोग गाँव में नहीं रहेंगे। उसी बात रात ही हम सब लोग अपने गांव से निकल गए और आज तक गांव से ही बाहर दिन काट रहे हैं। अब हम पुलिस का सहारा लेकर घर तक छोड़ने और मुलजिमों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गुहार लगाई है। धीर सिंह ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि जिसकी रिपोर्ट उसने 2 फरवरी 2024 को कंचनपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी थी, लेकिन अब तक उस व्यक्ति ने मुझे जान से मारने की धमकी देकर कहते हैं कि चुपचाप घर बैठ जा और घर को भूल जा। अब देखने वाली बात तो यह होगी कि पिछले करीब 13 दिन से हाथ पर हाथ रखे बैठी कंचनपुर थाना पुलिस से दुखी होकर SP के समक्ष उपस्थित हुए धीर सिंह को न्याय दिला पाते हैं या नहीं। अपनी न्याय प्रिय और तेज तर्रार कार्यवाही के लिए जाने वाले धौलपुर पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय इस मामले में कितनी सक्रियता और तत्पर दिखा पाते हैं। भागवत श्रवण करने से मोक्ष की प्राप्ति। पेश वाले हनुमान मंदिर पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह के दूसरे दिन कथा व्यास पंडित नीरज कृष्ण शास्त्री ने कथा के दूसरे दिन मंगलवार को कथा श्रवण में श्रोताओं को बताया कि श्रीमद् भागवत कथा का मात्र श्रवण करने से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। कथा व्यास पंडित नीरज कृष्ण शास्त्री के द्वारा सुखदेव पूजन, राजा परीक्षित को श्राप, विष्णु पितामह को ठाकुर जी के दर्शन आदि का वर्णन किया गया तथा कथा परीक्षित सुनीता कुमारी पंडित जी का बहुत बहुत आभार प्रकट किया गया। 13 मार्च 2024 बुधवार को विधुर संभाग एवं ध्रुव चरित्र वर्णन किया गया। अंत में महाआरती के बाद प्रसाद का वितरण किया गया। इस मौके पर पुजारी लोकेश शास्त्री, जगदीश शर्मा, भेसेना नरेंद्र शर्मा, राकेश शर्मा, राघवेंद्र शर्मा सहित भक्तगण और श्रद्धालु मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। धौलपुर शहर में दुकानदारों द्वारा किए गए अस्थायी अतिक्रमण के साथ सड़क पर खड़ी बाइकों को हटाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने चलाया अभियान। हलवाई खाने से शुरू हुआ अभियान संतर रोड पर जाकर खत्म हुआ। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस ने 12 से अधिक बाइक को जब्त कर दुकानदारों द्वारा सड़क पर रखे गए अस्थायी अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की। ट्रैफिक इंचार्ज टीनू स्वर्ग गरवाल ने बताया कि धौलपुर शहर में दुकानदारों द्वारा सड़क पर ही अपने सामान को रखकर अतिक्रमण कर लिया जाता है। इसके साथ ही दुकानों पर आने वाले ग्राहक अपनी बाइक खड़ी कर देते हैं, जिससे शहर में आए दिन जाम की समस्या बनी रहती है। ट्रैफिक इंचार्ज ने बताया कि जाम की समस्या से शहर के लोगों को निजात दिलाने के लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा अभियान शुरू किया गया, जिसके तहत तो बाइकों को जब्त करने के साथ ही दुकानदारों द्वारा सड़क पर लगाए गए अस्थायी स्टैंडों को भी जब्त किया गया। कार्यवाही को लेकर ट्रैफिक इंचार्ज ने बताया कि धौलपुर जिला मुख्यालय पर प्रतिदिन अभियान चलाकर लोगों को जाम की समस्या से मुक्ति दिलाई जाएगी, जिसके लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा कार्य योजना तैयार कर ली गई है। उन्होंने बताया कि मंगलवार को की गई कार्यवाही के बाद बुधवार को भी ट्रैफिक पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। अतिक्रमण हटाने को लेकर ट्रैफिक पुलिस द्वारा पूर्व में ही दुकानदारों को जानकारी दे दी गई है। धौलपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल आदर्श नगर पचगांव में 12 फरवरी से गायब छात्रा के मामले में शिक्षकों ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की। शिक्षकों ने जिला कलेक्टर को पत्र सौंपकर छात्रा के गायब होने की घटना को लेकर जानकारी दी। शिक्षकों द्वारा कलेक्टर को दिए गए पत्र में बताया गया कि छात्र के परिजन स्कूल टीचर प्रीति परमार पर अनावश्यक दबाव बना रहे हैं, जो स्कूल टीचर प्रीति परमार को छात्रा के गायब होने के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं।
पीड़ित स्कूल टीचर ने बताया कि 12 फरवरी को छात्रा ने स्कूल में एक गलती कर दी थी, जिसको लेकर स्कूल में पढ़ने वाले उसके भाई को बुलवाकर छात्रा की गलती की जानकारी दी गई, जिस पर छात्रा के भाई ने छात्रा को थप्पड़ मारते हुए उसकी शिकायत पिता से करने की बात कही, जिसके बाद छात्रा अपना बैग लेकर घर चली गई। छात्रा के घर जाते ही स्कूल टीचर ने उसके भाई को साइकिल से घर भेजा। जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचे शिक्षकों ने छात्रा के परिजनों पर स्कूल टीचर के साथ दूसरे स्टाफ को भी प्रताड़ित करने का आरोप लगाया, जिस मामले को लेकर अलग अलग शिक्षक संघ ने जिला कलेक्टर से मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है। कुशवाहा समाज ने किया था प्रदर्शन। रूपसपुर गांव की रहने वाली छात्रा के गायब होने के मामले में कुशवाहा समाज के लोगों ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान छात्रा के परिजनों ने स्कूल टीचर प्रीति परमार पर छात्रा को डांटने का आरोप लगाया, जिसमें बताया कि स्कूल टीचर के डांटने के बाद छात्रा स्कूल से अचानक गायब हो गई, जिसकी अभी तक पता नहीं चल पाया। न्यायाधीश सतीश चंद्र की अध्यक्षता में हुआ पीड़ित प्रतिकार स्कीम की मीटिंग का आयोजन। अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर सतीश चंद्र की अध्यक्षता में उनके अवकाश सागर में पीड़ित प्रतिकार स्कीम 2011 के संबंध में मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में कमेटी द्वारा सर्वसम्मति से पीड़ित प्रतिकार स्कीम के प्रार्थना पत्रों के निस्तारण के संबंध में विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। मीटिंग में पीड़ित प्रतिकार के 35 प्रार्थना पत्र रखे गए, जिनमें कमेटी द्वारा विचार विमर्श कर 6 आवेदनों में 5,10,000 रुपये दिए जाने की अनुशंसा की गई। मीटिंग में सदस्यगण उपेंद्र शर्मा न्यायाधीश MCT, श्रीमती रेखा शर्मा न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय धौलपुर, सुनीता मीणा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रीनिधि VT जिला कलेक्टर, ब्रजेश ज्योति उपाध्याय जिला पुलिस अधीक्षक, नीरज शर्मा अध्यक्ष जिला अभिभाषक संघ आदि लोग मौजूद रहे। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।